सशक्तिकरण को धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके पूरी टीम को, जो आज हिंदुस्तान के युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। आज आर्थिक स्थिति का ये हालात है, जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, पिछले 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति का, आज भारत का आर्थिक स्थिति डमाडोल की स्थिति में है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये बेरोजगार युवा हैं, जब तक युवा सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं होगा। भारत तभी विकास करेगा, तभी शक्तिशाली होगा, यदि युवाओं का पेट में अन्न जाएगा और उसका सशक्तिकरण होगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि बेरोजगारी को दूर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लावे जिसमें रोजगार मिले, और अर्थव्यवस्था से जो जूझ रही है उसको निकालने के काम करें और सरकार सही ढंग से चलावे। देश के बेरोजगार आज युवा रोड पर है। बोलिए मिश्रा जी, आप जो है सांसद भी रह चुके हैं जी, तो बेरोजगारी दूर करने का कोई तरीका है आपके पास? बेरोजगारी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे डेवलप आपने देखा होगा जो आपके हाथ में है, ये रोजगार ही तो लाया था। ये जो रोजगार था, एक समय कहा गया था कंप्यूटर क्रांति के लिए, जो कि कंप्यूटर आएगा तो देश का नाश हो जाएगा। आज कंप्यूटर आया तो युवा को नौकरी, लाखों में करोड़ों में पैकेज है। आपको ऐसी चाहिए, टेक्निकल चीज लाइए, हाईटेक लाइए, जो युवा उसके आगे बढ़े और नौकरी मिले लोग। देश में लगातार कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। अर्थव्यवस्था को, टैक्स स्ट्रक्चर को बदलना होगा। आज आप एक तरफ कहते हैं भाई, एक तरफ तो आपके पास पैसे नहीं, एक तरफ दिक्कत नहीं, या दूसरे देश को मदद करने की बात करते हैं, पहले अपना घर तो सुधारो। भाई आप एक बात कहिए, इसी बात पर कहता हूँ, जो आज हिंदुस्तान में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, GST है, उसमें तबदली करें और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिससे कि युवाओं को नौकरी मिले और लोग इंडस्ट्री के तरफ मुखातिब हो, इंडस्ट्री लगावे और इंडस्ट्री में लोगों को, युवाओं को नौकरी मिले, सरकारी उपकरण लावे जिसमें इंडस्ट्री लगावे। आज तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रही है, तमाम स्टील प्लांट बंद हो रहा है, BNSL बंद हो रहा है, इससे बंद होने से काम नहीं चलेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, युवाओं को नौकरी दें। आज युवा रोड पर है, पराली का कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, विभिन्न प्रदेश से प्रतिनिधि आए हैं, ये युवा के भीड़ नहीं है, प्रतिनिधि आए हैं, ये प्रतिनिधि चेताने आए हैं जो हमें नौकरियाँ चाहिए, रोजगार। देखिए सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, अगर मीडिया का सहयोग नहीं मिलेगा, तो अपनी आवाज़ कहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। उसके उपरांत मैं माननीय मिश्रा जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा समय दिया और युवाओं की आवाज़ में मेरी मुलाकात हुई, कहा कि युवाओं के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है मिश्रा जी। और ऐसे व्यक्तित्व का, अगर मैं राजनीति से हटके ही बात करूँ, ऐसे व्यक्तित्व का मैं शतों बार नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मिश्रा जी को तो जहाँ बुलाओगे वहीं चले जाएंगे, बिल्कुल सहयोग में युवाओं के लिए कह दिया कि खड़े हुए हैं, बस यही है। राष्ट्र में अगर कोई खड़ा हो तो ये प्रश्न सिर्फ पत्रकारों का नहीं होना चाहिए। राष्ट्र में खड़े जी, आपके साथ कितने युवा बेरोजगार होंगे? हमारे साथ अगर रोजगार की बात, हमारे इस समय 25 राज्यों में, भारत के 25 राज्यों में संगठन चल रहा है विश्व युवा सशक्तिकरण संघ, और हमारे वॉलेंटियर्स जो वर्तमान में हैं वो 10,000 हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम युवाओं के लिए हर मुद्दा, बेरोजगारी नहीं, गत वर्ष हमने कार्यक्रम किया था नशा मुक्त भारत, जो युवा आजकल के समय में गलत कार्यों में फंस चुका है या कहीं से गलत चीज़ों का शिकार हो रहा है। इस बार मुद्दा पता चला कि कई युवा कई प्रदेशों से, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब से जॉब के लिए दिल्ली आते हैं, और कई के बड़े कॉरपोरेट्स में, इंडस्ट्रीज़ में उनके मन मुताबिक जॉब उन्हें नहीं मिल रही, या आते भी हैं तो 8 या 10 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं, और उन्हें रूम का किराया देना पड़ रहा है 5,000 रुपये, 4-5 हज़ार रुपये। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप लोग कैसे खर्चा चलाते हैं? कि बस पेट पाल रहे हैं, तो जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं। तो सरकार के लिए क्या ये मुद्दा नहीं है कि युवाओं को सशक्त होकर, आज IITians, IIMBA से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टरेट, वो भी अपना इतने सक्षम नहीं है कि उस पैसे को यूटिलाइज़ कर सकें। तो जब हम अपने मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पा रहे, हमारा जब मस्तिष्क संतुष्ट नहीं है, तो हम देश का समाज कल्याण कैसे कर पाएंगे? तो मेरा यही सरकार से निवेदन है कि हम सब मिलकर हमारी युवाओं की बात को सुने और इसको आगे। अनुभव जी, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर रहे हैं और मिश्रा जी आपके बराबर बैठे हुए हैं, तो ये बेरोजगारी के मामले को लेकर आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारी के बारे में? सबसे पहले तो मैं पत्रकार संघ और इस जर्नलिज्म का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जिस दौर में मीडिया की आवाज़ें दबाई जा रही हों, जिस दौर में युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही हो,
उसमें आपने साहस दिखाया और हम युवाओं को मजबूत करने के लिए आप हमारे साथ आए, इसके लिए मैं और मेरा संगठन आपका हृदय से अभिनंदन करता है और ये दुआ करता है आपके लिए कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इस तरह से युवाओं को एक सशक्त बनाएं और उनकी रीढ़ की हड्डी साबित हो। दरअसल प्रश्न ये, अगर आप सरकार से करें कि युवा क्यों बेरोजगार रहा, अर्थव्यवस्था क्यों डगमगाई, तो शायद इसके परिणाम कुछ और होते, हम यहाँ ना बैठे होते। अगर इन विषयों पर पत्रकारों ने अगर सरकार से डायरेक्ट प्रश्न किया होता कि आखिर पिछले 40 वर्षों में जो बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो क्यों, अगर क्यों का सवाल आपने वित्त मंत्री जी से किया होता, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में आपने सवाल किया होता कि आखिर मारुति ने पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जो खाई हैं, जो निकाले हैं लोग, वो क्यों, उसका कारण क्या है, आखिर पार्ले जी कंपनी ने जो 10,000 कर्मचारियों को निकाला, MSMEs जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लघु उद्योग जो होते हैं, वहाँ से जो लाखों नौकरियाँ गईं, नोटबंदी से जो लाखों नौकरियाँ गईं, GST जैसे आपने जटिल कानून लगा दिए, एक तरफ नोटबंदी का जो चोट थी वो उबर नहीं पाई, आपने GST का दूसरा हाथ तोड़ दिया, जिस तरह से लोग उबर नहीं पा रहे हैं आप एक के बाद एक ऐसे जटिल कानून लाते जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम युवा शक्ति हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ी है, लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं समझेगी तो हम युवा शक्ति संगठित होंगे और इसी तरह से इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाएंगे और भारत के हर जिले में संपन्न करेंगे, जिसके तहत सरकार तब ये बात हमारी समझेगी कि आखिर युवा की शक्ति क्या है, वो अपनी राजनीति से बाहर निकले और युवाओं की मांगों को समझे। अनुभव जी, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं जी और विधानसभा के चुनाव, तो क्या आपका संगठन चुनाव में इसका बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या राजनीति में चोर चक्के ही होने चाहिए? बीटेक, MBA, डॉक्टरेट, आपका संगठन राजनीति में आएगा? क्यों, राजनीति बुरी चीज़ है, राजनीति राजनीति बुरी बनाया बुरे लोगों ने। आप आएंगे? चाणक्य भी सबसे कूटनीतिज्ञ रहे हैं, तो क्या आप उन्हें बुरा कहेंगे? इसका मतलब आप मैदान में कूदेंगे? नहीं नहीं, ये राजनीति हमारा काम नहीं है, लेकिन राजनेता जब चुकेंगे तो युग धर्म की राजनीति क्या होती वो सिखाना मेरा काम है। ठीक, अरबी घोड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना दौड़े, उसके मुंह में लगाम पड़ती है, तो वो लगाम बन के हम काम करेंगे। एक राजा के सर पे तलवार मंडरानी ज़रूरी है, विपक्ष अगर कमज़ोर पड़ रहा है, मीडिया डर रही है, युवाओं की आवाज़ दब रही है, तो अनुभव द्विवेदी, महेंद्र चतुर्वेदी, आकाश दुबे, रुस्तम जी, इस तरह की कई युवा शक्ति एकत्रित होंगी और सरकार से ये मांग करेंगी और सरकार की नाक में दम करेंगे कि समझे हमारी बात, आप हमारे नेता हैं, हमने आपको चुनकर भेजा है, हम ट्रंप को चुनने नहीं गए थे, हमने आपको चुना था। 2014 इस कार्यक्रम के बाद भी सरकार आपकी बातें नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? क्या आज़ादी हमें एक साल में मिली? मूवमेंट तो 100 साल चला था ना, यानी कि लगातार संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष युवाओं का ही सोच है, आज़ादी की जो क्रांति हुई थी, जब मेरठ में जब क्रांति हुई, जो हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी रहे, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिस तरह से युवा शक्ति वहाँ से निकल कर आई, उसी तरह से ये युवा शक्ति 2019 से निकल कर आएगी और आने वाली सरकार को ये चेतावनी देगी कि एक साल नहीं, दो साल नहीं, आने वाले 10 साल में हम आपकी नाक में दम कर देंगे और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए,
आगे बढ़कर रहेंगे। हमें न रोको, हम आगे बढ़कर रहेंगे। हमें न रोको, हम आगे बढ़कर रहेंगे। रोको, हम आगे बढ़कर रहेंगे। रोको, हम आगे बढ़कर रहेंगे। भारत माता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।